नहीं मैं वही कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बात करने से थोड़ी ज़्यादा नज़र लगती है, बट आई थिंक द लव दैट द फिल्म इज़ गेटिंग वेदर इट्स ऑन फेसबुक ट्विटर, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिएक्शन आया है सब जगह, जो हमने सुना है देखा है, जो मुझे आज तक इतने फ़ोन कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड इट्स ऑल थैंक्स टू आई थिंक द इनहेरेंट लव दैट चेतन नॉवल हैड और जो हमारे डायरेक्टर ने काम किया है उसकी वजह से लोगों को इमोशनली टच कर रही है पिक्चर। आई थिंक फॉर मी दैट इज द नाइसेस्ट फीलिंग दैट पीपल आर कनेक्टिंग टू द फिल्म इमोशनली। Obviously, जो वार्म्थ महसूस होता है when you go to a theater to see your film, especially हम पहले दिन भी गए थे और अब संडे को भी आए हैं, इट्स वेरी नाइस। लोग ज़्यादा बोलते नहीं बट यू कैन जस्ट सी फ्रॉम देयर स्माइल्स दैट दे गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड वार्म्थ एंड दैट्स व्हाट यू आर वर्किंग फॉर एट द एंड ऑफ द डे। लाइक शी सेड, नोबडी इज कमिंग एंड सेइंग समथिंग स्पेसिफिकली, बट ये पता है जरूर कि दे इमोशनली गेटिंग टच बाय द फिल्म बिकॉज यू सी फैमिलीज कमिंग। जैसे आज मुझे बहुत सारे फैमिली ऑडियंस मेंबर्स दिखे जो साथ में आए ग्रुप्स में, तो जैसे पहले दिन यूथ देखा था, टुडे यू कैन सी द फैमिलीज कमिंग। आई थिंक वी मेक अ फिल्म फॉर अ वेरी बिग डायस्पोरा ऑफ ऑडियंस, तो एवरीबडी हैज अ राइट टू एन ओपिनियन। आप अगर पैसे देते हो तो आपका जरूर हक बनता है कि आप ओपिनियन रखो एंड आपकी ओपिनियन सर आंखों पर, लेकिन इवेंचुअली यू मेक अ फिल्म फॉर मेजॉरिटी नॉट माइनॉरिटी। And I think box office collections report a majority if they like it or don't like it. So you always have to weigh the pros and cons of the critical reviews as well as the audience interaction. It's too early to suggest where the film is heading in terms of numbers, but definitely, जहाँ तक response मिला मुझे आज तक मेरी कोई भी तीन picture लगी इसके पहले मुझे ऐसा response नहीं मिला. So I would like to feel that we have connected with India in general more than anybody else. So that's a good sign. यार ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल होता है because you don't know what excites you at what time in your life, but what you said, जो मैं मानता हूँ कि हमें अलग किरदार निभाते रहना चाहिए। वी आर इन एन एज ग्रुप वेयर एंड अ जनरेशन वेयर इमेजेस आर ईजी टू ब्रेक, ऑडियंसेज डोंट कम विद प्री कंसीव नोशंस अबाउट अस। सो आई एम हैप्पी इफ दे आर लाइकिंग अ क्रिश एंड दे लाइकिंग अ बाला और फॉर हर शी गेट्स टू डू हाईवे स्टूडेंट एंड द टू स्टेट्स एंड ऑल अ फ्यूचर फिल्म्स। आई थिंक इट्स आर ड्यूटी टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड हैविंग फन। सो आई डोंट हैव अ ड्रीम रोल इन माइंड बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई हैव बीन एक्सेप्टेड इन अ रोल लाइक दिस एज वेल अलॉन्ग विद द बाला एंड परमा।